हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो, आज का लेक्चर मेरे बहुत अजीज दोस्त व मेरे गुरु मिस्टर ए एन द्विवेदी सर, सीएमएस लखनऊ को डेडिकेटेड है, जिन्होंने, यह कह सकते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इवन अगर मैं बात करूं तो 5 डेज के अंदर करीब 100 सब्सक्राइबर उन्हीं की बदौलत आए, और ना कि ये मैं कहूँ कि उनके फ़ोर्स करने से नहीं, केवल उन्होंने एक दो बच्चों को बताया होगा हमारे चैनल, मेरे चैनल के बारे में। और आज ये है कि 5 डेज के अंदर करीब 100 सब्सक्राइबर और बहुत सारे व्यूज़ हमारे चैनल पे आए हुए हैं, बहुत से लोगों ने लाइक किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू ए एन द्विवेदी सर, थैंक यू वेरी मच। देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। आज हम पढ़ेंगे क्या, मोशन इन वन डायमेंशन, राइट। ओके, वन थिंग मोर, आप हमें अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टाइप करिए एजुकेटर में सुशील सुशील कुमार साहू, आप टाइप कर सकते हैं, और अनअकैडमी बहुत हमारे बहुत सारे लेक्चर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, राइट। ओके, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, राइट। ओके, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम बात करें कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे, हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अभी मैं अगर एक एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँ, ठीक है, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक, और किसी सब्जी वाले से कहते हैं कि भाई 5 kg पोटैटो दे दो, 5 किलो आलू दे दो, तो ये तो नहीं कहते ना कि मैं अपना बैग, अपना झोला ईस्ट की तरफ करूं तब आप इस बैग में आलू डालिएगा, या वेस्ट की तरफ करूं तो आलू डालिए, कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। हम सिर्फ क्या बोलते हैं उससे, क्या कर दीजिए, 5 kg पोटैटो, राइट। तो 5 kg पोटैटो, क्लियर, उससे बोलते हैं। तो ये जो 5 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, देखिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, सिंपल स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स वॉट, कि द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे जैसे अभी मैंने 5 kg पोटैटो की बात किया, ठीक, तो आपका एग्जांपल हो गया मास, ठीक। टाइम, हम टाइम बताते हैं ना, सिंपल, कोई पूछता कितने बजा तो सिंपल बोलते हैं 5:30, ये तो नहीं कहते ना 5:30 ईस्ट में है, हाँ 7:30 वेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक। मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये हमारे हो गए एग्जांपल, ठीक। यानी मास, लेंथ ले लो, लेंथ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, डिस्टेंस ले सकते हैं, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड, टेम्परेचर बोले बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक, 36 डिग्री सेल्सियस, या बोलते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, कोई डायरेक्शन की जरूरत है, नहीं है। तो क्या, सिंपल, ये सारी क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो स्केलर है, और जिसमें ज़रूरत है वो क्या है, वो आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक। यानी द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दोनों की जरूरत पड़े, जिसमें आपकी दोनों की जरूरत पड़े, किसकी किसकी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या चाहिए होगा आपको, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक। अब जैसे हम कह दें कि हमारा स्कूल ईस्ट में 5 किलोमीटर है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर ईस्ट, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गई, डायरेक्शन। तो देखिए ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, यानी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी, और जब केवल मैग्नीट्यूड हो तो क्या है, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या, आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इम्पल्स, वेट, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे एग्जांपल आपके वेक्टर क्वांटिटी के हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेरी सिंपल, ठीक, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो वो वेक्टर क्वांटिटी है और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपकी, आप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, आप देखिए रेस्ट क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना ना रेस्ट, रेस्ट क्या है। ठीक, देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक, जैसे मान लो एक सड़क पे एक ब्रिक पड़ी हुई है। ठीक, ये ब्रिक पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये ब्रिक क्या है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है। ठीक, ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक मोटर कार। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये मोटर कार है। ठीक है, ओके, या ट्रक कर लीजिए। ठीक, ओके, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। ठीक, अब देखिए कैसे, देखिए द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट। यहाँ ये मोशन में, ठीक, क्या हो गया कि When an object changes its position with respect to its surrounding, then object is called in motion. Simple सी बात है। ठीक, आप देखिए सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक ट्री है। ठीक है, ये आपका एक पेड़ है, खड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये पेड़ कल भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा और आगे भी वहीं पर ही लगा रहेगा। ठीक, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, मान लीजिए ये कोई मकान है। ठीक है, ये मकान वहीं बना रहेगा। ठीक, ये 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 कोई मकान है। ठीक, या यहाँ पे मान लीजिए कोई जंगल है, वट एवर जो भी है, तो हम क्या कहेंगे कि द ट्री इज इन रेस्ट बिकॉज ट्री इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये सब सराउंडिंग्स हो जो उसके चारों तरफ, वही सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ। ठीक, उसके रिस्पेक्ट में अगर ये अपनी पोजिशन नहीं चेंज कर रहा ना बेटा, तो क्या होगा, ये रेस्ट में होगा। ठीक, अब चलिए एक बस में बैठ जाइए। ठीक, अब आप बस में बैठे हैं, बस चल रही है। ठीक, तो आप देखेंगे जब आप चल रहे हैं तो देखेंगे रोड पे पेड़ आएगा, उसके बाद पेट्रोल पंप आएगा, फिर एक ढाबा आएगा। तो क्या है कि आप क्या है ना, आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन आपके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो आप किस में हैं, सिंपल सी बात है, मोशन में है। थोड़ी देर आगे आगे बढ़ेंगे मॉल आएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ और आएगा। मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है कि Your position is changing with respect to your surrounding, then you are in motion. The bus is in motion as well as you also in motion. Clear? समझ आ गया? तो ये था हमारा rest और motion. ठीक, definition आएगी, what is rest? तो simple. If an object does not change its position with respect to its surrounding, then object is said to be in rest. Example, a lying brick, a tree, okay? And मैनी मोर लाइक दिस, ओके। फिर आएगा व्हाट इज मोशन, सिंपली आप बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आता है रिलेटिव मोशन। क्या है रिलेटिव मोशन, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। रिलेटिव मोशन में क्या करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप एक ही टाइम पर मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकते हैं, जरा सोचिए आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। शायद 90% लोगों का आंसर होगा नो, बट करेक्ट आंसर इज यस। कैसे, देखिए सपोज कर लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं, क्या है, यू आर, ठीक है, इन आ मूविंग ट्रेन, आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो चल रही है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप खिड़की खोल के बाहर देखेंगे तो आप किस में हैं, मोशन में हैं। ठीक, खिड़की बंद, आप किस में हो गए, रेस्ट में। तो हुआ ना एक ही टाइम पे क्या मोशन और रेस्ट एक साथ है कि नहीं है। ठीक, कैसे, देखिए जब आप विंडो ओपन करते हैं, एज यू ओपन द विंडो यू सी योर पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग। अब देखिए सराउंडिंग क्या हो गया, बाहर अगर बाहर देख रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हो, सराउंडिंग बाहर का क्या है, पेड़ आया, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप आया, फिर और कोई जंगल आया, वट एवर, मतलब लगातार आपकी देखेंगे तो कुछ नया आपके पास आता चला जाएगा अगर बाहर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तब आप मोशन में हैं। ठीक, खिड़की बंद, सामने वाले पैसेंजर को देखिए, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हैं, रेस्ट में हैं। क्यों, क्यों,
क्योंकि सामने वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आपकी खिड़की बंद हो गई, तो आपकी सराउंडिंग क्या हुई? जिस डिब्बे में बैठे हैं वहीं के आसपास की चीज़ें तो हुई। तो कहने का क्या मतलब है कि एट अ सेम टाइम यू आर इन मोशन एज वेल एज इन रेस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव मोशन। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा। व्हेन वी ट्रेवल इन ट्रेन, राइट, देन व्हेन वी ओपन द विंडो, देन विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड थिंग वी आर इन मोशन, बट व्हेन वी क्लोज, व्हेन वी शट डाउन द विंडो, व्हाट हैपन? वी आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे सराउंडिंग्स क्या हैं? हमारे आसपास बैठे हुए लोग, उनका लगेज, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन। देखिए वन डायमेंशनल मोशन क्या है? देखो सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक, देखो ना, कोई बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करे तो उसका मोशन क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी द वन डायमेंशनल मोशन। ओके, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, वन डायमेंशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए अब वन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा टू डायमेंशनल क्या होगा, ठीक, थ्री डायमेंशन क्या होगा। देखिए वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, क्लियर है? इफ अ बॉडी मूव्स कर्व पाथ, सपोज के लिए कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टू डायमेंशनल, क्लियर है? और अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? स्पेस में मूव कर रही है, ठीक है, तो इधर जिगजैग, कभी मान ऐसे देखो ना, इधर गई, इधर गई, इधर गई, सब क्या हो गया? ये हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन। फिलहाल हमको क्या कंसिडर करना है? वन डायमेंशनल मोशन। तो सुन लीजिए और लिख लीजिए अपनी नोट कॉपी में, सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है। क्या है? कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, फिर से, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन इज सेट टू बी वन डायमेंशनल। क्लियर है? समझ गए? हम इस चैप्टर में सिर्फ वन डायमेंशन ही पढ़ी, टू डायमेंशन के लिए कर्व पाथ, थ्री डायमेंशन के लिए स्पेस, यानी कुछ डिफाइन, कुछ फिक्स नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, है ना, तो वो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टेंस। देखिए ना, अब आपको यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझाने वाले हैं, अब उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए ये लेक्चर हमारा उन लोगों के लिए भी है जो लोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर वो भी इसको देखेंगे तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जनरल साइंस में, वो रटे रटाए या साइंटिस्ट के नेम नहीं पूछ रहा, वो अब क्या एग्जामिनर का सेट हो क्या माइंड सेटअप कर रखा उन लोगों ने, अब वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको पता है तभी आप बता पाएंगे, ठीक है, तो उन लोग के लिए भी ये लेक्चर बहुत फायदेमंद है। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है? घर है, और एक सड़क ईस्ट की तरफ जाती है, फिर यहाँ एक चौराहा मिलता है, ठीक, और फिर आपको नॉर्थ की तरफ जाना रहता है, यहाँ पर आपका क्या है? स्कूल। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये आपका 3 किलोमीटर आपको ऐसे जाना है ईस्ट, फिर 4 किलोमीटर क्या जाना है आपको? नॉर्थ, फिर आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको हम नाम डाल देते हैं, मान ले ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी, सी का मतलब यहाँ पे आपका स्कूल आ गया। आप बताओ अगर कोई रास्ता ऐसे हो तो आप कौन सा किस रास्ते से जाना पसंद करोगे, 3, 4 या फिर सीधे वाला? ऑब्वियसली सबका आंसर होगा ये एसी वाला रास्ता, क्योंकि सीधे हम स्कूल पहुंच जाएंगे, इतनी डिस्टेंस को हम काट देंगे। तो वही कहता है ना कॉन्सेप्ट, क्या डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये यहां से चले ना, यही तो पाथ है ना बेटा आपका, ये वाला पूरा, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? ठीक, इसकी लेंथ कितनी हो गई? ठीक है, डिस्टेंस पहले आप 3 किलोमीटर नॉर्थ गए, फिर ऊपर चढ़े 4, तो इसका मतलब कितना हो गया? 7 किलोमीटर। तो बेटा ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया। ठीक, क्या डेफिनेशन हो गई? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय यू, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक, तो देखो ये आपका क्या था? बिगिनिंग पॉइंट था,
ये क्या था, फिनिशिंग पॉइंट, सी फिनिशिंग पॉइंट है, तो बिगिनिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, या फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, शॉर्टेस्ट या मिनिमम, ठीक है, शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कितना हो जाएगा, सबको पता है 5 किलोमीटर. तो कोई आदमी 5 किलोमीटर चलना पसंद करेगा या 7 किलोमीटर? ऑब्वियसली 5 किलोमीटर. तो 5 किलोमीटर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो सिंपल हमने डिफिनेशन याद कर ली डिस्टेंस की, क्या कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये पाथ ही है ना, पाथ पर ही तो जा रहे हैं आप, तो कितना इसकी लेंथ कितनी है वही ना आपका डिस्टेंस होगा, ठीक, क्लियर. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां भाई यहां चलना शुरू किया यहां पे खत्म किया, तो दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है वही हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. सिंपल सी बात है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट. ठीक, तो सिंपल बताया मैंने क्या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक, या बिगिनिंग पोजिशन फाइनल पोजिशन, ठीक, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चलिए देर नहीं करते. हाँ, एक चीज़ और बता दें, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, आई होप सभी लोग के समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बात करेगा SI यूनिट की डिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है, ये आप 6th 7th 8th में ही पढ़े होंगे, मीटर होती है. ठीक, चाहे वो डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो. चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक, चलिए फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की. चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ. इधर मैं लिखता हूँ क्या, डिस्टेंस, ठीक, और इधर क्या लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट. अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके आ गया तो आप क्या करेंगे. ठीक, तो देखो डिस्टेंस क्या थी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. इधर इसकी डिफिनेशन लिख दीजिए क्या, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब बताइए दूसरा डिफरेंस क्या, ये क्या है आपका बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है. सिंपल सी बात. ठीक है, चलिए थर्ड देखो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती. ठीक, इट कांट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. कैसे, अभी आपको हम समझा रहे हैं. ठीक है, इट कैन बी जीरो, देखो कैसे, देखो बेटा ये एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, यहाँ से आपने, ये मान लीजिए पार्क है, यहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 फिर यहीं पर आ गए. तो बेटा जो इनिशियल पॉइंट है वही तो फाइनल पॉइंट है, आप जहाँ चले वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो. तो वही तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि ये आपने लेंथ कवर किया ना, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, जाहिर सी बात है सर्किल है तो 2πr होगी. ठीक, तो इट कैन, इट कांट बी जीरो, इट कैन बी जीरो. ठीक है, बात समझ में आ गया. चलिए आगे हम बात करते हैं. ओके, डिस्टेंस आप देखो, चौथा ज्यादा नहीं बताएंगे आपको. ठीक है, ओके, फोर डिस्टेंस, फोर डिफरेंस काफी है आपके क्वेश्चन के लिए. ठीक है, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, और निगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा. ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन. चलिए आगे हम बात करते हैं. ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की. ठीक है, क्या स्पीड है, देखो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपल सी बात है, या तो आप ऐसे कह लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या फिर टाइम को हम ले रहे हैं 1 सेकेंड. ठीक है, तो सिंपल ना, 1 सेकेंड में कोई बॉडी जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी क्या हो जाएगी,
स्पीड हो गई, सिंपल, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, वेरी सिंपल, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह दिए, या फिर कह दीजिए कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जो डिफिनेशन स्पीड की है ना, उसी में बस लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बस हो गया, दोनों डिफिनेशन याद हो गए आपको। देखिए ना, स्पीड की क्या बताया मैंने आपको कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। अब देखिए, अगर हमें वेलोसिटी बताना है ना, तो इसी में हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, अब यहीं पे हम क्या जोड़ लेंगे, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर इतना जोड़ लिया, डायरेक्शन मेंशन कर दिया, तो बेटा क्या बन गया आपका, वेलोसिटी, ठीक। डायरेक्शन मेंशन नहीं किया तो स्पीड, फॉर्मूला याद रखेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात करें यूनिट की, दोनों की यूनिट देखो ना बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक, बचपन सीखते चले आए, मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड, यूनिट निकल आई हमारी, क्या निकली, मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे कुछ मैं रिटर्न नहीं दे रहा हूँ, आपके सारे टेक्स्ट बुक, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे डिफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अभी आपके न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे, शुरू से देखेंगे लास्ट तक, तो मैं पक्का यकीनन कह सकता हूँ कि आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ओके, चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक चीज़ बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, इंस्टेंट, देखिए ना यहाँ इतना वर्ड पढ़िए, इंस्टेंट, ठीक, क्या मतलब होता है, किसी भी टाइम, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब आप जो सपोज कर लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं कार से, हमने आपसे कहा कि 6:30 और 15 सेकंड पे आप जरा अपने कार की स्पीड या बाइक की स्पीड हमें बताइएगा, तो वो स्पीड क्या हो गई, सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, फिर से सुनिए, स्पीड, आप लिख भी सकते हैं इसको, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल दे दीजिए, द स्पीड ऑफ अ कार एट अ फिक्स टाइम, यू कैन से दैट 6:30 15 सेकेंड, सिंपल हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए बात करते हैं एवरेज स्पीड की, ठीक है। देखो ना बेटा, एवरेज स्पीड क्या है, ऐसे समझो, मान लो सुबह आप यहाँ से चले, ठीक, ए ए पॉइंट से इधर गए, फिर 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 इधर गए, जिधर भी कहीं पर भी, मान लो शाम तक आप यहाँ पहुँचे, ठीक, मॉर्निंग में आप चले थे, शाम तक आप ये सब रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचे, तो देखो ना बेटा, कुछ ये चले चले हो गए, मान लो 3 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी रहा होगा, ये सारा डिस्टेंस जोड़ लीजिए, और जितना आपको टाइम लगा वो सब जोड़ के क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्म, एवरेज स्पीड आपकी टोटल, क्या लिख रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक, इसी का जो रेशियो है क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज स्पीड। तो कह कॉन्सेप्ट कह क्या कहेंगे हम, कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ पाथ कवर करेंगे, तो कुछ टाइम भी लगेगा, तो जितना पाथ कवर करेंगे वो, और जो टाइम लगेगा वो, उसी को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाएगा, या एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो दो चीज़ों का रेशियो है, किसका किसका, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का, हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं दोनों दोनों चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ठीक, उसी से हम, या यूनिफॉर्म स्पीड पहले बताएंगे फिर वेलोसिटी बताएंगे, ठीक। देखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ठीक, जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये बज रहे हैं सुबह के 7, ठीक है, 7 बज रहे हैं, ठीक। चलिए अभी क्या बज गया ना बेटा, यहाँ पे 8 बज गया, ठीक। आप कितना चले, सपोज कर लीजिए 80 किलोमीटर चले, अगले जब आप चले ना,
तो क्या हुआ? ठीक, फिर से आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए 9 AM, ठीक 9 बज गया, फिर से आप 80 किलोमीटर चले, ठीक, देख रहे ना कि टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 1 आवर, ठीक, और डिस्टेंस कितनी कवर की, 80, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं तो स्पीड कैसी हो जाएगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। आप देखिए वेलोसिटी, फिर वही चीज़ मैंने क्या कहा था लास्ट में, क्या जोड़ देना, ये चीज़ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जो डिफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड की थी वही डिफिनेशन किसकी बन जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, लेकिन आपको क्या जोड़ना रहेगा, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन व्हेन अ बॉडी, ठीक, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन इज वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन इट्स मोशन इज इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इसी में एक वर्ड जोड़ देंगे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन तो क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरी सिंपल, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए इस तरफ हम रखते हैं क्या स्पीड, और इस तरफ रखते हैं हम वेलोसिटी। पहले तो दोनों की डिफिनेशन, ठीक, क्या होगा पहला पॉइंट डिफिनेशन, क्या बताया था मैंने स्पीड कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के लिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लो जी हो गया आपका, ठीक, क्लियर है। अच्छा, स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लो जी स्केलर ये क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ गए, ठीक है, राइट, ओके। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये क्या है, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक, तीन डिफरेंस हो गए, चलिए ओके। अब हम बात करें कि अगर सर्कुलर पाथ की बात करें तो एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये जीरो हो सकती है, ठीक है, वेरी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसीलरेशन, ठीक, क्या है बेटा ना, एसीलरेशन का मतलब क्या है, आप बोलते हैं ना बाइक चलाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर खींचो, एक्सीलरेटर एक्सीलरेटर, ठीक, तो एक्सीलरेटर खींचने का मतलब क्या है, एक्सीलरेटर जब आप खींचते हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ती है घटती है, वेरी सिंपल, बाइक की स्पीड क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है, बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई, बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक, और अगर एक्सीलेटर डाउन करते हैं तो बाइक की स्पीड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, बाइक की स्पीड घट जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन मतलब कोई चीज़ बढ़ना, तो वही चीज़ बोलता है ना कि जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है, ठीक, टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, तो देखो ना एक्सीलरेशन क्या बन गया, ठीक, वी, या ऐसे कह सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम से डिवाइड लगाया ना तो क्या बन गया, याद रखिएगा जब भी कभी टाइम से डिवाइड लगेगा रेट बनेगा, ओके, जब भी कभी टाइम से डिवाइड लगेगा रेट, तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिंपल सी बात है, टाइम के हिसाब से कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, बस इतना ही है एक्सीलरेशन में, सिंपल, ठीक, बहुत कम टाइम में, ठीक, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना गाड़ी का पिकअप बहुत ज़्यादा है, क्या मतलब है पिकअप का, पिकअप का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर खींचा और गाड़ी बहुत स्पीड पकड़ ली, तभी तो कहते हैं ना कि पिकअप ज़्यादा है गाड़ी का, पिकअप, जैसे आज के यूथ कहते हैं ना हमें ऐसी बाइक चाहिए जिसका पिकअप बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो पिकअप का मतलब क्या, वो एक्सीलरेट होना चाहिए, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ देना चाहिए, ठीक, अब जानिए बहुत पुराना है, दादा का स्कूटर है, अब उसका एक्सीलेटर खींचे जा रहे हैं, स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, तो क्या है उसका एक्सीलरेशन, उस केस में एक्सीलरेशन कम होगा, तो सिंपल, ठीक, क्या है, क्या डिफिनेशन बनेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसीलरेशन, ठीक, इसको बेटा ए से शो करते हैं, ठीक, मान लो पहले यू थी, फिर
फाइनल वी हो गई। तो बस सिंपल क्या ये बन गया फार्मूला हमारा। ओके एक चीज़ और आपको बता दें, एसिलरेशन का यूनिट क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि वी या स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या था, मीटर पर सेकेंड। देखिए ना यहाँ पे फार्मूला क्या बना हमारा एसिलरेशन का, ठीक, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो देखो बेटा इसकी क्या निकाली थी, मीटर पर सेकेंड, और एक और टी है तो एक और एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर पर दो एस मिल गए, तो बेटा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक, कोई दोनों का मतलब एक ही, मीटर पर सेकंड, चाहे ऐसे लिखिए ऑब्लिक करके अपॉन करके या फिर माइनस टू कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए रिटार्डेशन, अब देखो रिटार्डेशन क्या है, ठीक, बहुत सिंपल सी बात, ऐसे समझिए सभी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है उसकी स्पीड बढ़ती है तो बेटा क्या होता है उसमें, एसीलरेशन, ठीक, और जब वो ब्रेक लगाता है ड्राइवर कोई प्लेटफॉर्म आने वाला होता है तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक, बहुत सिंपल है, ठीक है, यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका उल्टा जाइए क्या, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। बहुत सिंपल है, सिंपली, ठीक है। देखिए ये हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का थ्योरी है, ठीक है, अभी इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे इसके न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल समझ लेंगे आप तो इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाए, कितना भी क्वेश्चन फ्रेम कर लें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम न्यूमेरिकल इसके देने वाले हैं, ठीक है, और यही जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है वही सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और कोई नोट्स मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ आपका जो टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ वही सही चीज़ें समझाई हुई हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आई हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद उसको वापस पढ़ेंगे, उसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।